So hello guys and what's up and welcome back to my channel once again guys. तो भाई आखिरकार 24 घंटे के आसपास इंतजार करने के बाद और Xbox One और PS4 में रिलीज होने के बाद आखिरकार PES 2021 सीजन अपडेट PC में भी हम लोगों को मिल चुका है guys and आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं. तो guys आप अपना सीट थाम के बैठ लीजिए क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही खतरनाक होने जा रहे हैं. और बात करते हैं इस गेम की, तो हमने डाउनलोड कर ली है, ओपन कर ली है और कुछ चेंजेस हमने कर ली है, जैसे कि म्यूजिक को बंद कर दी है और हमारा थीम को चेंज कर लिया, बट उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे. तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं भाई. तो गाइस ये हमारा गेम का ओपनिंग स्क्रीन है और मैं बता देना चाहता हूँ भाई, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ये वीडियो बनाने के लिए भाई हम लोग रात में 2 बजे बैठे हुए हैं. एंड तो भाई एक लाइक तो बनता है ना भाई, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो करेंटली, वो लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक देखने को मिलने वाला है तुम लोगों को आने वाले टाइम में, ऐसे ही चीजें आपको बहुत दिखने वाले हैं. तो चलो भाई अपना मेन मुद्दे पे आते हैं. तो मेन मुद्दे पे आते हुए ये हमारा ओपनिंग स्क्रीन है. ओपनिंग स्क्रीन पे हम लोगों को बहुत सारे चीजें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारा वेलकम स्क्रीन जो कि किक ऑफ स्क्रीन है. यहाँ पे आप लोकल मैच में जा सकते हो, लोकल मैच में जाके आप देख सकते हो कि अरे वाह इस बार बहुत सारे यूजर्स बढ़ा दी गई है लोकल मैच के लिए भी एंड बाकी मैचिंग अप के लिए भी. और इसके बाद आपको लोकल मैच UEFA यूरो का 2020 लीग देखने को मिल जाता है, कोऑप मैच देखने को मिल जाता है, रैंडम सिलेक्शन मैच देखने को मिल जाता है, वर्सेस लीग कप, फ्रेंडली मैच लॉबी, टीम प्ले लॉबी, ट्रेनिंग मोड. ये टीम प्ले लॉबी जो है ये थोड़ा सा नया है भाई. इसके बाद ई फुटबॉल में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, बल्कि इसमें आप लोगों को ऑनलाइन डिविजन्स, ऑनलाइन टूर्नामेंट, मैच डे वगैरह देखने को मिल जाता है. स्टैटिस्टिक्स में आप अपना स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, ये अपना सेटिंग्स है. सेटिंग्स में जाके आप मतलब लेटेस्ट अपडेट दे सकते हो, ऑनलाइन सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, सिस्टम सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, ऑप्शन ले सकते हो और क्विट गेम कर सकते हो भाई. अब इस एडिट के अंदर आपका बहुत कुछ आता है भाई, जिसमें कि थीम्स भी इसी के अंदर ही आ जाता है और भाई कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी आप चेंज ही कर सकते हो. और भाई मैं बहुत जल्दी इसका पैचेस भी लेके आने वाला हूँ, जिस पैचेस में आप लोग सारा टीम्स खेल सकते हो. यहाँ पे भी कम लेजेंड में आप एक प्लेयर ले सकते हो और उससे लेजेंड बन सकते हो. और यहाँ पे अपने पास मास्टर्स लीग है. बट अब आता है असली गेम और जिसका नाम है दी माई क्लब, और जो कि अभी हम जा रहे हैं चालू करने. मतलब क्या ही है भाई, मतलब मजा आ जाएगा यार जैसे ही माई क्लब चालू हो जाएगा ना यार. ओहो पहला ही दिन हमारा कंडीशन अपडेट भी आ चुका है, बट इसमें कोई ब्लैक बॉल प्लेयर तो दिख नहीं रहा है, तो इग्नोर मारते हैं इस चीज को और हम अपने मुद्दे पे जाते हैं. क्योंकि मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत मजेदार ओपनिंग्स आपके सामने आने वाले. आहा हमारा नेशनलिटी पूछ रहे हैं. तो चलो भाई हमारा नेशनलिटी क्या करते हैं हम, हमारा नेशनलिटी तो हम भारतवासी है भाई. चलो इंडिया को ढूंढते हैं और रखते हैं. हाँ भाई दिल्ली का टाइम जोन ले ले. और हम बड़े ही प्यारे इंसान हैं तो हम बहुत प्यारे लीग लेने वाले हैं, लीग लेके और उसमें से भी भाई FC बार्सिलोना ही चूज करेंगे हम. बहुत हार्ड बहुत हार्ड. अब देखते हैं एक अच्छा सा फॉर्मेशन वाला अपना ही ये मैनेजर. अब सातवानी का देखते हैं भाई, ये हमारा मोबाइल में भी आने वाला है सेम लाइनअप के साथ, तो आप अभी से देख सकते हो और मतलब आपकी मर्जी है, आप कैसे भी वो कर सकते हो. ये हमारा मोबाइल और PC के लिए सेम आने वाला है भाई, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ. तो यही लेते हैं चलो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कॉइन्स होने वाला है और हम चेंज मारने वाला है बहुत जल्दी. और इनमें से हम एम्बापे का चूज करेंगे क्योंकि भाई एम्बापे अपना दिल के पास वाला प्लेयर है, ज्यादा
बहुत ज्यादा दिल के पास वाला प्लेयर है, तो हम एम्बापे के साथ जाने वाले हैं। और भाई यहाँ पे तो मतलब कोई भी प्लेयर ओंगी पोंगी डाल देता है टीम में, उस पे मैटर मत करो। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है देखने को, यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा है देखने के, तो कोई बात नहीं, हमको बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इतना ही बता सकते हैं। चलो एजेंट साइन करते हैं भाई, पहला एजेंट जो कि फ्री में मिलने वाला है हमको। चलो भाई प्रोफाइल पे चलते हैं, लिस्ट ऑफ टारगेट्स पे चलते हैं। भाई इब्राहिमोविच को इन लोगों ने गोल्ड बॉल बना दिया। अच्छा, मैटवीडी, कैलेहन, रॉबिन, सब मतलब मजाक है क्या यार? ज्लाटान भाई को इन लोगों ने गोल्ड बॉल बना दिया, ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, और भाई वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आराम से बैठ के देखो, कोई जल्दबाजी की बात ही नहीं है भाई। अब क्या बोले, कौन आ रहा है भाई? कोई अच्छा प्लेयर दियो भाई, ये कौन है? मारियानोविच, पता नहीं कोई तो, कोई तो होगा ये, कोई तो होगा भाई। अब पता नहीं कौन है, इस बारे में मत पूछना कौन है। अब ये स्काउट्स भी साइन कराएंगे हमसे, यार मतलब मजाक चल रहा है भाई, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। स्काउट्स बहुत सारा है यहाँ पे, तो चलो भाई आज तो बड़े स्काउट से साइन होने वाला है भाई। चलो यहाँ पे हम एक ही स्काउट साइन करेंगे, और वो भी व्हाइट बॉल वाला ही करेंगे। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी फुल प्लेयर रेटिंग्स और मैनेजर मोड खेलना चाहता है मेरे साथ, वो फ्राइडे को मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो भाई। फ्राइडे को इसका हम लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं। ओहो, ये कौन है? PSH, और PSH का नाम रखता है भाई अपना, ढंग से तो रख लेते थोड़ा। तो यहाँ पे ऑक्शन हाउस भी है हमारे पास, और जो कि हम जिसके साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और ये रैंक्ड मैच क्या दिखा रहा है? अरे यार हमको नहीं चाहिए भैया, हमको नहीं चाहिए इतना ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे हमको पहला पे आउट टाइप का बोल सकते हो इस चीज को, मतलब अपने हिसाब से डिकोड कर लो भाई। यहाँ पे हमको 50 माइक्लब कॉइंस फ्री का देखने को मिलता है, एक और 50 माइक्लब कॉइंस फ्री का देखने को मिलता है, और एक और मतलब माइक्लब कॉइंस फ्री का देखने को मिलता है। इतना माइक्लब कॉइंस है रे, ओहो, मजा दिला दिया तुम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या क्या पहले देख लेते हैं। 11 वाले प्लेयर्स जो कि आपको वेटरन बोनस मिलने वाला है, वो 5 मिला है यहाँ पे। यहाँ पे फीचर्ड, एक फीचर्ड प्लेयर भी मिला है हमको। फिर लियोनेल मेसी का, भाई साहब आइकॉनिक मोमेंट्स लियोनेल मेसी। फिर आता है अपना बार्सिलोना का क्लब का, वो तो प्री ऑर्डर का था ही भाई। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या और आते हैं, यहाँ पे है हमारे पास माई क्लब कॉइंस, फिर बार्सिलोना एडिशन कंटेंट्स है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट टिकट्स है 3, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। और फिर हमारे पास मेसी आ जाता है कि डिजिटल मतलब लोन मेसी आ जाए। तो चलो भाई रिसीव ऑल मारते हैं और एक एक करके खोलते हैं, आ जाओ। और फिर सेटअप भी करेंगे मस्त, यहाँ पे क्या आने वाला है देखते हैं, मतलब कुछ तो एनिमेशन देने वाले मेरे हिसाब से। अच्छा हाँ पता था यही होने वाला है, लियोनेल मेसी का दिया इन लोगों ने। एडिट टू माय क्लब, हाँ अच्छी बात है भाई, बहुत सही। और यहाँ पे एक और खत्म होता हुआ हमारा, तो 3200 का माई क्लब कॉइन्स हम लोग रीच कर चुके हैं। बट हाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी एजेंट्स खोलने से पहले एक मैनेजर साइन करूंगा, और मेरे हिसाब से ये वाला मैनेजर के साथ जाना सही रहेगा। बस देख लेता हूँ मैं, फॉर्मेशन देख लेता हूँ यार। AMF होता तो मजा ही आ जाता यार, मतलब ऐसा नहीं यार, AMF दे दो भाई।
यार दो दो सीएफ दे रहा है भाई, क्या परेशानी है तुम लोगों को हमसे? अगर ये इसके साथ ही जाना तो यही ले लेता हूँ ना। अच्छा ठीक है छोड़ो, बाद में नया मैनेजर साइन कर लेंगे, अभी इसी को ही लेते हैं। पे हाँ भाई, माई क्लब कॉइन से पे करना पड़ेगा। अब हमको तुम लूट रहे हो तो लुटवाते हैं जरा। तो चलो एड टू स्क्वाड करते हैं, और अब इसी से ही खेलेंगे भाई। पहले तो हाँ जेटलर को ही चेंज करेंगे भाई। ओहो, एक और रिकॉर्ड खत्म होता हुआ, और हमको एक और 50 माई क्लब कॉइन मिलता हुआ, जो कि काफी, मतलब मेरे लिए तो काफी बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो चलो भाई, अब हम चलते हैं एजेंट्स के ऊपर। और एजेंट्स में तो भाई साहब इतना कुछ है क्या, इतना कुछ। तो पहले स्पेशल एजेंट से चालू करते हैं हम, प्रीमियम एजेंट। चलो भाई एक प्रीमियम एजेंट को खोलते हैं और लिस्ट ऑफ टारगेट्स में देख लेते हैं एक बार कौन कौन है हमारे पास। भाई इतना सारा प्लेयर्स, आहा, देख के मजा आ रहा है यार। मतलब PES 21 ने मतलब नया मोड्स वगैरह देख के मजा दिला दिया यार। मतलब क्या ही बताए तुम लोगों को, ये जो फीलिंग आ रही है ना अभी, वो अलग ही लेवल का फीलिंग है भाई। ओ भाई पहली बारी में, अरे यार मेरे को लगा रोनाल्डो आ रहा है। इन लोगों ने तो सारा मतलब मजा ही मातम में बदल दिया यार। मतलब क्या ही बताएं। ठीक है चलो कोई नहीं, एक बार मातम में बदल भी गया तो क्या हुआ। बट अब ओपनिंग होने वाला है अपना मेसी भाई का यार, लियो मेसी। वो भी मतलब एकदम वो क्या कहते हैं जिसको, एकदम दिल का पास वाला है भाई ये वाला पैक। आइकॉनिक मेसी, समझ रहे हो भाई, आइकॉनिक मेसी। ओ भाई न्यू एनिमेशन ओपी गाइस, न्यू एनिमेशन ओपी, एपिक वाला एनिमेशन है भाई ये। भाई साहब लियो मेसी भाई, ये मतलब मेसी का यंग वाला मेसी है यार। मतलब तो थोड़ा बहुत तो अलग ही है ये वाला मेसी, मान के चलो। हाँ भाई थोड़ा तो अलग है। और अब हम जाएंगे कलेक्टर्स बॉक्स पे, और कलेक्टर्स बॉक्स पे हमको फीचर्ड प्लेयर्स मिलने वाला है, जो कि काफी अमेजिंग है मेरे लिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे को इनमें से कौन सा प्लेयर चाहिए भाई। एक गोलकीपर भी दे देता, इतना ही प्लेयर दे दिया तो एक गोलकीपर भी दे देता ना, उसमें मजा ही आ जाता थोड़ा। मतलब गोलकीपर आ जाता एक तो और ही मजा आता। देखते हैं क्या आता है, किस्मत कैसा है हमारा। एक तो ये लोडिंग भाई, ये लोडिंग टाइम बहुत बढ़ा दिया इन पेस वालों ने, गेम इन गेम लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा करवाया इन लोगों ने। ये कौन है, ये कौन है भाई, पोगबा तो नहीं? अरे रैशफोर्ड है शायद से, रैशफोर्ड है। हाँ पता था रैशफोर्ड है यार। रैशफोर्ड क्यों दे रहे हो भाई, थोड़ा मतलब डिफेंसिव प्लेयर दे देते यार, मतलब डेलिक्ट वगैरह दे देते कम से कम। कोई बात नहीं, अब जो है सो है, क्या करें। बट अब आने वाली है वो घड़ी, जिस घड़ी में हम करने जा रहे हैं अपना लेजेंड्स का पैक ओपनिंग। भाई यहाँ पे कौन कौन नहीं है यार, मतलब मजा ही आ जाएगा भाई साहब। इसमें हमारे पास रोबर्टो कार्लोस है, फिर इनिएस्ता है, फिर गुलिट है, पियोल है। मतलब अब देखते हैं कौन आता है भाई, कौन सा प्लेयर आ रहा है, देखते हैं। ओहो भाई क्या ही बोले, मतलब मजा आ जाएगा। आहा ये कौन है, ये कौन है भाई, आप कौन हो सर?
पता नहीं लग रहा है कौन। बर कैंप, नाइस बर कैंप, बट सेकंड स्ट्राइकर है यार, कहाँ खिलाएंगे इसको? सेंटर फॉरवर्ड तो खिला नहीं सकते, तो खिलाएंगे कहाँ यार? कुछ सोच समझ के दे देता प्लेयर्स को, थोड़ा ज्यादा मजा आता, सच बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा मजा आता। कहाँ खिलाएंगे, सोच तो लेता। एक और आइकॉनिक मोमेंट भाई, मतलब एपिक है भाई, एपिक है। पांच पांच आइकॉनिक मोमेंट। अब कौन सा प्लेयर आया है देखते हैं। अच्छा नहीं, ये गुलेट है, गुलेट है भाई, गुलेट गुलेट है गाइस। वेलकम टू माय डेन। भाई पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो मेरे को भी पता है भाई, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लेना भाई, मतलब मजा ही आएगा तुम लोगों को भी। फुल पैक ओपनिंग है भाई, इसके बाद हम इन लोगों प्लेस में डालेंगे कि नहीं देखते। अब कौन सा प्लेयर है भाई? गाइस 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 गाइस, एक अच्छा सा प्लेयर हो, एक अच्छा सा प्लेयर हो। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि एक और सेंटर यार, रूमिनिक भाई। रूमिनिक अच्छी बात है, मतलब प्लेयर तो बहुत तगड़ा है, बट हाँ वही बात है ना यार, मतलब कुछ पीछे का प्लेयर दे देते यार, प्योल वगैरह मजा आ जाता यार। मतलब मेरा डिफेंस की लगी पड़ी है, मेरे को मिडफील्डर्स और स्ट्राइकर्स मिल रहा है यार, मतलब गोलकीपर वगैरह कुछ नहीं है भाई मेरे पास। देखते हैं, ये हमारा फोर्थ वाला था, फोर्थ वाले में क्या निकलेंगे? डब्बे से लकी नंबर किसका आएगा भाई? ये कौन है? राइकार्ड है सर, राइकार्ड जैसा लग रहा है मेरे को। हाँ भाई राइकार्ड भाई, बहुत सही, बुलेट और राइकार्ड मिल गया, और उधर से हमें शायद से रूमिनिक वगैरह मिल गया था, तो काफी अच्छी बात है, मतलब काफी तगड़ी कॉम्बिनेशन। और भाई राइट विंग में मेसी भाई, वो एपिक प्लेयर है यार, मतलब मेसी एपिक है भाई, ये वाला मेसी एपिक है। देखते हैं इस बार कौन सा आ रहा है, कौन आ रहा है भाई? आ जाती भाई, कोई तगड़ा प्लेयर, कोई एक अच्छा सा भाई। रॉबर्टो कार्लोस, रॉबर्टो कार्लोस शायद से। ओ भाई साहब रॉबर्टो कार्लोस भाई, मजा ही आ गया यार। पेस जिंदाबाद भाई, पेस जिंदाबाद इन द कमेंट्स यार, मजा ही दिला दिया इन लोगों ने तो भाई साहब, अलग ही लेवल का मजा दिला दिया यार। मतलब क्या है, जितना तारीफ करे उतना ही कम है भाई इसके लिए, मतलब बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, इतना सही तो कभी नहीं हुआ यार। मतलब देखते हैं अब एक एक करके चेंज भी करते हैं, यहां से किसको लिया जा सकता है। हाँ मेसी भाई, ये हुई ना बात, मेसी भाई आएगा हमारा। और अच्छी बात है, एक बात अच्छी हुई कि रैशफोर्ड मिला तो हमको लेफ्ट मतलब लेफ्ट विंगर मिल गया, एक मतलब एक ऑप्शन मिल गया हमें यहाँ पे कि तुम लेफ्ट विंगर खिला सकते हो किसी को भी। तो यहाँ पे हम खिलाएंगे अपना रॉबर्टो भाई को, फिर डीएमएफ पे हम देखते हैं किसको खिला सकते हैं हम। डीएमएफ पे चलो इसको ही खिला लेते हैं, और सीएमएफ पे भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बाद में नया प्लेयर और मैनेजर साइन करेंगे तो देखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे गुलेट को ही खिलाना पड़ेगा। और बाकी का जो भी बचा कुचा है उसको हम डालते हैं अभी इस रिजर्व्स में और आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि हमारे पास एक अच्छा सेंटर बैक है, एंड दो तीन ही अच्छा सेंटर बैक है हमारे पास, तो काफी अच्छी, मतलब ये बात एक अच्छी हुई है कि भाई अच्छे अच्छे सेंटर बैक्स हमारे पास, जिससे कि हम मतलब बैलेंस कर पाए टीम को, तो उससे थोड़ा बहुत अभी के लिए तो काम चल जाएगा, फिर मैचेस में आके देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके बाद बात किया जाए स्क्वाड लिस्ट में, स्क्वाड लिस्ट में हमारे पास एक और स्क्वाड है यहाँ पे, जो कि मतलब मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, कोमैन का एक स्क्वाड है जो कि एफसी बार्सिलोना का ऑफिशियल स्क्वाड है शायद से, जी हाँ भाई।
एफसी बार्सिलोना का ऑफिशियल स्क्वाड है, जिसमें आप देख सकते हो अपना विडाल भाई का रेटिंग को 83 कर दी गई है, पीके का रेटिंग को नीचे गिर गया, काफी नीचे गिर गया, 90 से 87 हो चुका है। और इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू भी मैं दे दूंगा आप लोगों को बहुत जल्दी मेरे चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट इन द लाइव स्ट्रीम जो कि होने वाला है हमारा फ्राइडे को। फ्राइडे को पता नहीं कब होने वाला है, बट होने वाला है इतना तो पता है। फ्राइडे को आपका शाम का 6 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, वो देख लेंगे हम, वो हम लोग आपको बता देंगे बाद में। और बाकी इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल पे ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आप इस कंटेंट पे नया क्या चाहते हैं, मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि हम नया कुछ लाए या नया कोई टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग करें, तो वो भी हमको जरूर शेयर करें हमारे साथ, हम वो जरूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक ही ऐसे ही धमाकेदार नया ओपनिंग पे, लाइव स्ट्रीम पे, नया वीडियो पे, रिव्यू पे, कहीं पे भी एक नया वीडियो में। और टिल देन गुड बाय।